Welcome students. I hope you all are fine and form. So today we will learn about the Roman numeral. So in the previous class, हमने डिस्कशन किए थे रूल वन एंड रूल टू के बारे में. अब हम डिस्कशन करेंगे आगे कुछ बेसिक रूल्स के फॉलो करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उस रूल के हिसाब से हम कैसे रोमन न्यूमेरल लिखेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे. तो रूल वन में हमने क्या पढ़े थे, द रिपीटेशन ऑफ ए रोमन न्यूमेरल मींस एडिशन एंड ही नेवर कैन बी रिपीटेड. ही तो हम जब भी सिंबल था उसको रिपीट नहीं करता. और रूल टू में क्या हमने पढ़े थे, स्मॉलर न्यूमेरल रिटेन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल. स्मॉलर न्यूमेरल रिटेन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर नंबर. यह हमने रूल टू में ठीक है. ओके तो ये तो उनको फॉलो करके हमने कुछ एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस किए थे, रोमन न्यूमेरल लिखने का तरीका भी प्रैक्टिस किए थे. तो अभी मैंने बोला आई एंड वी एंड एक्स ये तीनों रोमन न्यूमेरल को यूज करके हम उस रूल के साथ लिखेंगे. ओके नंबर लिखेंगे इनको आगे न्यूमेरल का रोमन न्यूमेरल मोड के साथ लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे. तो आपको 39 जब मैंने बोला था हम अभी क्लास में सीखेंगे रूल 3 क्या कहता है. रूल 3 को फॉलो करने के बाद रूल भी कहता है कि ए स्मॉलर न्यूमेरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल. ए स्मॉलर न्यूमेरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल, लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल. अगर एक न्यूमेरल अगर ये न्यूमेरल लार्जर में उसके पीछे अगर ये न्यूमेरल को हम लिखेंगे उसका लेफ्ट में ये न्यूमेरल को हम लिखेंगे उसका मिस क्या हो जाएगा. ये लार्जर लार्जर के लेफ्ट में अगर स्मॉलर न्यूमेरल को लिखेंगे उसके मिस उसके बीच में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट रिलेशन हो जाएगा. रिलेशन क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट रिलेशन हो जाएगा. लेकिन टू बेसिक रूल टू फॉलो करके हम डिस्कस करेंगे आई कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स. आई को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं वी एंड एक्स से बट न्यूमेरल भी ने हर सब्सट्रैक्टेड तो न्यूमेरल भी ने हर सब्सट्रैक्टेड. देखो एक्स से भी होता है पर भी को हम एक्स से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. एक्स से भी को हम क्या कर नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके तो भी इज ने हर सब्सट्रैक्टेड आई कैन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स. कब सब्सट्रैक्ट कब सब्सट्रैक्ट हम करेंगे ना जब भी लार्जर न्यूमेरल लार्जर न्यूमेरल के लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमेरल लिखा हुआ. ओके तो उसके एग्जांपल लेके अभी देखो ये तो हो गया हमारा आई जी. क्या हो गया आई जी. तो आई जी का मीन क्या हो जाएगा, आई जी का मीन क्या हो जाएगा, तो डी के लिए क्या लिखेंगे साइज, डी के लिए साइज लिखेंगे एंड आई के लिए वन लिखेंगे. तो उनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन रिलेशन बोला था क्योंकि लार्जर नंबर के लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमेरल से है रोमन न्यूमेरल का. तो 5 माइनस 1 मींस हो जाएगा आंसर 4. मतलब आई जी का मींस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ओके तो और एक देखेंगे आई एक्स, आई एक्स, आई एक्स मींस क्या हो जाएगा, एक्स मींस 10, एक्स मींस 10 हो गया. तो 10 से हम माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे. आई फॉर 1 आई का सिंबल क्या है, वन के लिए आई का सिंबल यूज होता है. तो एक्स का इंटीग्रल टेन के लिए यूज होता है. तो एक्स लार्जर नंबर है और आई स्मॉलर नंबर है और आई लेफ्ट में है इसलिए हम क्या करेंगे एक्स का आई को माइनस करेंगे. तो एक्स का आई को माइनस करने का मतलब हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 9. तो आई एक्स सिंबल जो रिप्रेजेंट करेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 को रिप्रेजेंट करेगा एंड आई को रिप्रेजेंट करेगा 4 को, आई को रिप्रेजेंट करेगा 4 को. क्लियर और आगे जाएंगे. अब हम रूल 4 के बारे में स्टडी करेंगे. ओके सो देन रोमन न्यूमेरल का रूल 4 क्या कहता है, नंबर बियॉन्ड 10
which has write the number in group of 10 and 1 and then from the Roman numeral corresponding to the given number. Okay? So, well, the number for the number then 10, we have to write the number in group of 10 and 10 and 1 and then form the Roman numeral corresponding to the given number. 10 के बाद तो नंबर लिखा होगा, हम उसको क्या करेंगे? 10 और 1 का ग्रुप में उसको पहले डिराइव करेंगे. फिर हम क्या करेंगे? नॉर्मल न्यूमेरल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर सेट के लिए ये हमने जो बेसिक थ्योरी डिस्कशन किए उसी के हिसाब से जो नंबर होगा उसी के हिसाब से हम देखेंगे. सपोज यहाँ मैंने 11 का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. 11 में हम क्या करेंगे ना ग्रुप ऑफ 10 एंड 1 का जो ग्रुप है उसका डिफरेंट करेंगे. इवेंट कर देंगे. देखो 11 में क्या हो गया, 10 प्लस 1 हो गया कि नहीं, तो 1 ग्रुप ऑफ 10 हो गया एंड 1 प्लस 1 हो गया. तो 10 के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 के लिए क्या लिखेंगे? 10 के लिए हम लिखेंगे 8 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे. और 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 का सिंबल क्या है? आई. इसलिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आई. तो 11 का पहले मैं 10 लिखा, 10 प्लस 1 लिखा, तो 10 के लिए 8 एंड 1 के लिए आई. आई इस सिंबल फॉर 1, एक्स इस सिंबल फॉर 10. और एक एग्जांपल लेता हूं. 12 देखो, 12 का क्या लिखेंगे? 10 प्लस 2, 10 प्लस 2. ओके, तो 10 प्लस 2 मीन क्या हो जाएगा? तो 10 के लिए आप क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे. और तो पिछले जो 3 रूल के हिसाब से हमने 2 के लिए क्या लिखेंगे हम सब याद है. तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? 2 मतलब 1 एंड 1 मतलब डबल आई. 2 के लिए हम लिखेंगे डबल आई. ये सब हम क्या करोगे? 13 का क्या हम लिख सकते हैं? 13 का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3 इज इक्वल टू x और 3 के लिए 3 आई लिखेंगे हम. तो इधर इस तरह क्या होता है? 13 के लिए x ट्रिपल आई हो जाएगा. और कुछ अगर हम कुछ लेंगे उसे तो देखो 15 15 में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 15. तो 15 के लिए हम क्या करेंगे? इसको 10 का ग्रुप हो गया, इसके बाद हो गया हमारा लेफ्ट हो गया 5. तो 5 1 को 2 है 5 ले रहे हैं. और 10 के लिए हम सिंबल लिखेंगे x एंड 5 के लिए लिखेंगे b. आंसर हो जाएगा x b. तो 15 के लिए आंसर क्या हो गया हमारा? x b हो गया. और एक एग्जांपल लेकर 20 का देखो. 20 का क्या हो जाएगा? ये देखो 20 का हो जाएगा 10 प्लस 10. 1 ग्रुप में कुछ नहीं है, 10 ग्रुप, 2 10 ग्रुप हो गया हमारा. 10 प्लस 10 मीन्स क्या हो जाएगा? 1 10 के लिए x और दूसरा 10 के लिए और एक x. 2x हो गया डबल x. ओके, इसे देखो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे. 24 24 कितना लिखेंगे? देखो 10 प्लस 10 प्लस 4 हो जाएगा. तो 10 के लिए क्या लिखेंगे? x. दूसरा 10 के लिए x और 4 के लिए i. लो स्टूडेंट प्रैक्टिस किए i भी कितना लिखेंगे? 4 का डिवाइजर कौन करता है? आई भी करता है. तो डबल x आई बी हो गया हमारा 24 हो गया. ओके, और एक देखेंगे. ये देखो 36 क्या हो जाएगा? देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6. तो 3 10 है इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3 8 और 6 के लिए भी आई. क्या लिखेंगे 6 के लिए? भी आई. तो 36 के लिए तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6. स्क्वायर हमने ग्रुप बना दिया 10 का 1 का. तो 3 10 के लिए 3x हो गया और 6 के लिए भी आई. तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा? ट्रिपल x भी आई 36 के लिए हो गया. ओके, तो इस तरह तुम
बाकी जो नंबर लिखो सस्पेंस। अब हम क्या करेंगे, फोर रूल्स के बारे में हमने जाना। रोमन न्यूमेरल्स का लिखने के लिए जो बेसिक फोर रूल्स है हमने कहा तक प्रैक्टिस किया, ना आई वी एन एक्स टू यूज करके अप टू 39 तक नंबर लिखने हमने प्रैक्टिस किया। ओके अब हम कुछ नंबर लेंगे उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, वन से शुरू करेंगे। ओके अच्छा ये देखो फॉर वन ये क्या हो गया आई, टू के लिए कौन सा ट्रिपल लगा डबल आई, थ्री के लिए ट्रिपल आई, फाइव के लिए सॉरी फाइव नहीं फोर के लिए रहेगा आई वी, फाइव के लिए वी, सिक्स के लिए वी आई, सेवन के लिए रहेगा वी डबल आई, एट के लिए वी ट्रिपल आई, नाइन के लिए आई एक्स, टेन के लिए एक्स, इलेवन के लिए एक्स आई। इस तरह आगे जो रूल नंबर फोर था उसकी यूज करके तुम इलेवन से 39 तक आसानी से लिख सकते हो। ओके तुम्हारा जो स्क्रीन है लिख रहे हो सब इलेवन से पूरा वन से 39 तक डिस्प्ले में तुम देखे भी इसको अपने खाता में नोट कर सकते हो। ओके वन टू 39 तक ये पूरा का पूरा नंबर का हिंदू आर्थिक नोमेरल पहले लिखा हुआ है, बैकग्राउंड उसका जो रोमन नोमेरल में जो सिंबल है वो भी लिखा हुआ है 1 to 39 तक। ओके ये बाद में बच्चे प्रैक्टिस करना, हर हर नंबर का जो रोमन नोमेरल का जो सिंबल है उसको याद करना। ओके तो अगले बार तो हम रोमन नोमेरल का जो कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट थैंक यू।